हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, गर्मियों में प्रेगनेंसी में अपना ख्याल कुछ ज़्यादा रखना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आज मैं आपको लंच में लेने के लिए एक छोटी सी बात बताऊंगी जिसके बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारा डिस्कम्फर्ट आपका दूर हो जाएगा। इसके अनेकों फायदे हैं। लेने का तरीका ही खास है। बाकी चीज के बारे में आप सभी जानते हैं, कर्ड आप सभी खाते होंगे, लेकिन इसको लेने का जो तरीका है वो कुछ खास है। और ये तरीका ही है जो कि कर्ड से हमें कई सारे बेनिफिट्स दिलाता है। फ्रेंड्स, कर्ड हमेशा दिन में लेना चाहिए, शाम के बाद हमें कर्ड नहीं लेनी चाहिए। कर्ड से बना हुआ कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जब दिन में आप कर्ड लेते हैं, कई महिलाएं उसमें जैगरी, गुड़ का पाउडर या खांड, शक्कर आदि ऐड करती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपको बॉडी हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, भूख ही नहीं लग रही अच्छे से आपको, खून की कमी तो स्वाभाविक है कि हो जाएगी ऐसी कंडीशन में, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि आपको दूध की चीज़ें पचती ना हो, या हो सकता है कि आपको मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है दही। दही में दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम होता है। आप योगर्ट और दही दोनों ही ले सकते हैं। दोनों में कैल्शियम और प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। थोड़ा बहुत इनके प्रोटीन और कैल्शियम की क्वांटिटी में फर्क होता है, लेकिन दोनों ही बेहतरीन है आपके लिए। लेकिन आपको दही लेनी कैसे है? फ्रेंड्स, आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जब आप आहार लेते हैं तो खाना खाने के बाद दही में कुछ मीठा ऐड करके लेने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन स्पेशली अगर गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें और जिनको कॉम्प्लिकेशन में प्रेगनेंसी रही है, जैसे कि PCOD है, थायराइड है, हार्मोनल इशू है, वजन बहुत ज़्यादा है, खून की कमी बराबर चल रही है, गर्मियों में भूख लगना बंद हो गई है, वेट मैनेज नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दही के अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करके आप काला नमक भी ऐड कर सकती हैं उसके अंदर, लेकिन भुना जीरा दही के साथ मस्ट है। ये कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए। इसके अंदर फाइबर अच्छा है, डाइजेशन अच्छा रहेगा, ये आपकी बॉडी को कूल रखेगा। प्रेग्नेंट वुमन को शरीर में वैसे ही काफ़ी हीट होती है, और जब गर्मी के मौसम में बाहर की हीट, अंदर की हीट दोनों मिलती है तो बहुत अनईजी, बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो बॉडी को शांत, कूल, शीतल रखने के लिए ये दोनों चीज़ें अमेजिंग हैं। बच्चे के और आपके वेट को मैनेज करने के लिए ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम अच्छा है, तो हड्डियों का विकास अच्छे से होगा अगर आप पर्याप्त दही लेती हैं। आप दो बार भी ले सकती हैं, आप एक बार भी ले सकती हैं, आप उसको बटर मिल्क बनाकर भी ले सकती हैं और लंच के साथ में भी ले सकती हैं। दही के अंदर ना केवल प्रोटीन और कैल्शियम बल्कि आयरन, फॉस्फोरस और ऐसे कई सारे मिनरल और विटामिन भी पाए जाते हैं, जो आपको अगर भूख ना लगने की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर देंगे। दही स्वभाव से एंटी डायबिटिक होती है, तो अगर आपको शुगर प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको मिल्क नहीं लेना है, लेकिन आप मिल्क को इस फॉर्म में ले सकती हैं, क्योंकि दही स्वभाव से ही एंटी डायबिटिक होती है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड इशू है, PCOD का इशू है, जिसमें कि कई केसेस में देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए दही बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है कर्ड विथ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुने जीरे को ऐड करके दही को लेना लंच में। आप एक या दो बार आराम से ले सकती हैं, इतनी मात्रा आपके लिए पर्याप्त होगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।